हरियाणा के पूर्व मंत्री और इनेलो के कद्दावर नेता सुभाष गोयल ने भी आज इनेलो छोड़ दी है। इनेलो छोड़ने की वजह इन्होंने पार्टी का फ्रैक्शन बताया है और साथ ही कहा कि ओम प्रकाश चौटाला फ्रैक्शन के चलते एक से दो पार्टियां बनने के चलते जनता के प्रति जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम थे, लिहाजा वे पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। साथ ही चुनाव लड़ने की संभावनाओं से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है, लेकिन वो किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किस पार्टी में शामिल होंगे अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन हमारी सूचनाओं के मुताबिक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुभाष गोयल कांग्रेस में जा सकते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनकी बातचीत हो चुकी है और कोई ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने इनेलो को छोड़ने का मन बनाया है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री सुभाष गोयल। सुभाष गोयल अब से कुछ देर पहले इनेलो में थे और कुछ देर पहले ही इनेलो छोड़ दी है। किस पार्टी में जाएंगे, इनसे बात करेंगे। गोयल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप करीब करीब 25 साल तक इनेलो में रहे और आज आपने एक झटके में इनेलो छोड़ दी, बड़ी वजह? वजह तो आपके सामने है। पिछले साल चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर जिस प्रकार से जो एपिसोड हुआ, मन को काफ़ी चोट लगी। बहुत प्रयास किया, किसी तरह से अपनी तरफ से भी किया, लोगों की मार्फत भी करवाया कि कहीं एक होकर बैठ जाएं, लोगों की सेवा करें, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का प्रचार प्रसार। आप कहना चाह रहे हैं पार्टियों फ्रैक्शन हो गए थे, एक पार्टी से दो पार्टी बन गई थी इसलिए आपने छोड़ दी। दूसरी बात यह है कि महत्वाकांक्षाएँ भी हैं इसमें, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, अगर मेरी महत्वाकांक्षा होती तो मैं 3 चुनाव पहले भी, मुझे किसी और पार्टियों से मुझे ऑफर आई थी, 2005 में भी चुनाव लड़ सकता था। 2000 लोग ही जानना चाहते हैं कि इनेलो छोड़ने के बाद आप किस पार्टी में जाएंगे और ये माना जा रहा है कि आप वन ऑफ द कंटेस्टेंट हांसी से। नहीं, मैं अभी आपको इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे साथियों से पूछकर ही इस बारे में आपसे। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, आप कांग्रेस में जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी बातचीत हो चुकी है? नहीं, मेरी तो अभी तक तो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जी से बात हुई है, ना खट्टर साहब से बात हुई है, मेरी कहीं बात नहीं हुई। देखिए, विकल्प तो दो ही रहते हैं, या तो BJP रहती है, कांग्रेस, और आप इतने सुलझे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और एक आपका बड़ा कद है, तो ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि आप किसी से भी बातचीत किए बगैर इन लोग छोड़ जाएंगे या फिर प्रतीक्षा करेंगे, ऐसा लगता नहीं है लोगों को। ये अलग बात है कि आप इस वक्त खुलासा नहीं करना चाहते। मैं तो आपको अपने मन की बात बतला रहा हूँ, अगर किसी के गले नहीं उतरे तो मैं उस बात का कोई। कांग्रेस से मान लीजिए, कांग्रेस से आप चुनाव लड़ते हैं हांसी में, तो क्या स्कोप देखते हैं आप? नहीं, पहले तो आप तो फिर वो घूम फिर के बात वहीं ला रहे हैं कि मैं कांग्रेस की या BJP की कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपने वर्कर साथियों से जो मेरी नीम है उनसे मशवरा करके ही कोई निर्णय लूँगा। कब आपने कोई मीटिंग बुलाई है, कब बातचीत करेंगे? अब इसके पास बैठ के बात करेंगे। ये माना जाए कि कब तक आप फैसला ले लेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं? मतलब आचार संहिता लगने के बाद ही कोई हो पाएगा निर्णय। आचार संहिता मेरा ख्याल 13 तारीख को लग जाए, 13 या 14 को लग जाएगी। तो जब ये सूचना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो जल्दी फैल जाती हैं, तो इसके बाद कोई इनेलो की तरफ से आपके पास संदेशा रुकने के लिए, रोकने के लिए प्रयास कोई किए गए? बेशक हो, जब मैंने एक स्टेप उठा ही लिया तो वो उठा लिया। ये थे सुभाष गोयल जी और उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन जहां तक हमारे पास सूचना है, सुभाष गोयल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। आइए आपको सुनाते हैं सुभाष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सबके सन्मुख मैं भरे मन से जिस पार्टी में 15 जून 1995 को मैंने सदस्यता ग्रहण की थी, आज लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन परिवार में जो आप सबके सामने हालात हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, उससे हतोत्साहित होकर मैं अपने सभी साथियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे
प्रदेश का व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है और सभी साथी मेरे जितने बैठे हैं ये भी विभिन्न प्रकोष्ठों में पदाधिकारी हैं। हम सभी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और आगे की रणनीति बैठकर निर्धारित करेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या करना है। चौधरी देवीलाल जी की नीति को मानकर समझकर पार्टी ज्वाइन की थी और अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास किया। उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार न केवल हरियाणा प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में भी जा जाकर उन नीतियों का प्रचार और प्रसार किया और लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन जब घर के अंदर फूट पड़ जाती है तो वो आप सभी के सामने हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के नहीं, देश के लोगों के नहीं, विदेशों में भी इस बात की चर्चा है कि चौटाला परिवार टूट गया है। और उसी के दृष्टिगत हम सब जाति पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे की रणनीति बैठकर निर्धारित करेंगे, जैसा मान सम्मान कहीं मिलेगा बात करेंगे। हाईकमान को बता दिया आपको? हैं जी, हाईकमान को बता दिया, अब चली जाएगी हाईकमान के पास। राजनीति में तो रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे जी, राजनीति में रहेंगे, लोगों की अपनी तरफ से जहां तक संभव होगा सेवा करेंगे, उनकी तकलीफों को उठाएंगे, बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, निराकरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कामकाज तो कोई भी सरकार बनती है, चाहे मौजूदा है, चाहे अतीत की सरकारें हैं और चाहे भविष्य में भी कोई बनेगी, उनकी जिम्मेवारी तो यही बनती है कि जनता के हितार्थ काम करें। और जनता कितना स्वीकार करती है, मैं एक बात तो अवश्य आपके मंच के माध्यम से कहूँगा कि धारा 370 का मैं अपनी ओर से पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कांग्रेस करे या बीजेपी करे या अन्य पार्टियाँ करें, लेकिन मेरी ये भावना है कि देश के लिए जिस प्रकार से हमारा जहाँ आपस में भाईचारे को बांटने का काम हो रहा था, अलगाववादी शक्तियाँ देश के धन के ऊपर कब्जा करे बैठी थी, कर रही थी, उसके लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा तो देश के अंदर महंगाई के ऊपर पार नहीं पा सकते। और साथ साथ एक मैं आपसे चर्चा चल रही है, ये चालान इस कदर रेट बढ़ा दिए गए हैं, बंदर के हाथ में एक पुरानी कहावत है, उसरा दे दिया। रोज की रोज आप लोग देख रहे हैं, आपके अखबारों के चैनलों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 15,000 की स्कूटी और 26,000 चालान, रो रो कर लोग बेहाल हो रहे हैं। एकदम इस किस्म का अत्याचार करना भी गैर मुमकिन बात है, मुनासिब बात है।